दबंगों द्वारा मुक्ति धाम के रास्ते पर कब्जे को लेकर प्रसारित एवं प्रकाशित खबर पर संवाददाताओं को दी जान से मारने की धमकी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज। मामला शुजालपुर का है, जहां संवाददाता अशोक मीणा को अरनिया कलर की खबर लगाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि शासकीय सेवा में पदस्थ लाइनमैन कैलाश नारायण पिता बैजनाथ, जिसने संवाददाता को जान से मारने की धमकी देकर 20 किलोमीटर तक बाइक से उसका पीछा भी किया। संवाददाता द्वारा इस बात पर कलेक्टर को शिकायत भी की गई है। शुजालपुर से अविनाश चोरड़िया की रिपोर्ट। पत्रकारों को लेकर धमकियां मिल रही है पत्र अपराधियों द्वारा, उस संबंध में आपको आवेदन दिया गया पत्रकारों द्वारा, तो आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी? जो आवेदन अभी मेरे को प्राप्त हुआ है, जो हमारे दबंग न्यूज़ के पत्रकार अशोक मीणा जी का, वो आवेदन अभी प्राप्त हुआ है और अवलोकन करके विधि संगत जो कार्रवाई होगी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। एक कैलाश नारायण पिता बैजनाथ है कोई खाती समाज के, उनके विरुद्ध है, तो जांच करके तत्परता से कार्रवाई करके कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। सर, अधिकतर पत्रकारों को इस तरह की धमकियां मिलती है और उनको छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। पत्रकार भी एक देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार वास्तविक बात है देश का चौथा हिस्सा है और दर्पण है। दर्पण को ही अगर कोई खंडित करेगा तो फिर देखेगा किस बात, इसलिए हम तो इसमें सदक साथ है, परिपूर्ण कार्रवाई जो होगी विधि संगत कठोर कार्रवाई करेंगे। तो मैंने एसपी साहब को उनको फ़ोन करके बात की थी, तो एसपी साहब ने मेरे को बोला है कि आप थाने में आवेदन करें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में मैंने थाने में टीआर पटेल को आवेदन दिया है सुबह, और मामला उन्होंने संज्ञान में लिया है। अभी मैं एसडीओपी साहब को भी आवेदन दे रहा हूँ, और ताकि मेरे साथ में अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार जो जिसने कल मेरे को धमकी दी, कैलाश नारायण बैजनाथ उर्फ पोमा जी, जाति खाती का है, खाती है और गोरधनिया का निवासी है, उसने मेरे को धमकी दी जान से मारने की, तो अगर भविष्य में कोई भी मेरे साथ घटना होती है तो वो उसका जवाबदार वो स्वयं रहेगा। क्या नाम है आपका? अशोक मीणा, दबंग न्यूज़ से संवाददाता शुजालपुर। के साथ में कल क्या घटना हुई? मैंने अभी दो दिन पहले एक खबर चलाई थी, गांव में शमशान का रास्ता नहीं था तो शव को लेकर लोग कीचड़ से निकल रहे थे नालों में से और कीचड़ से, तो उस संबंध में खबर चलाई थी दबंग न्यूज़ पर, खुलासा न्यूज़ पर, तो वहां से मेरे को जिस दबंग ने कब्जा कर रखा था उसने जान से मारने की धमकी दी और 20 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी का पीछा किया उसने। तो इसको लेकर के मैंने